Good morning, students. In last class, we have discussed that how the manufacturing industries are very, very important for our country, and we have discussed what is manufacturing. तो हमने देखा था कि manufacturing is a production of goods in large quantities by processing raw materials into more valuable products. It means raw materials को ज़्यादा valuable products को बनाने का जो process है उसी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. हमने ये भी देखा था कैसे इंडिया में हमारी कंट्री जो है, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीन सेक्टर है या थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि हमने देखा था. पहला जो हमारा था वो है हमारा प्राइमरी में देखा था क्या क्या था. एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, माइनिंग, ये सब आते हैं. सेकेंड हमने देखा था वो था हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग आता है. और थर्ड हमारा था टर्शरी. टर्शरी में जैसे आपको ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सर्विसेज, यानी कि इसमें हम सर्विसेज को मेनली इंक्लूड करेंगे. अब स्टूडेंट्स, आपने बता दूं ये तीनों जो सेक्टर्स हैं, दिस थ्री आर इंटरडिपेंडेंट. ये अगर इस पर डिपेंडेंट है तो ये सेक्टर इस पर डिपेंडेंट है, ये सेक्टर, ये दोनों इस पर डिपेंडेंट है. इट मीन्स दिस ऑल थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, यानी किसी एक भी सेक्टर के प्रॉपरली वर्क ना करने की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उस पर मार पड़ेगी, उस पर चोट पहुँचेगी. तो सबसे पहले हमने देखा था कि इम्पॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की. अगर मैं शॉर्ट में इसको रिवाइज करा दूँ तो ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम एंड ऑल्सो प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इट रिड्यूसेज रीजनल डिस्पैरिटी, प्रोवाइड्स जॉब्स, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड ऑल्सो इट एड्स वैल्यू टू द रॉ मटेरियल. दैट्स वाई वेन द रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड दे बिकम वैल्यूबल प्रोडक्ट्स. अब हमने बात की इसके इम्पॉर्टेंस की. आज जिस टॉपिक पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो है इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये पता करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट. अगर हम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो बेस है वो एग्रीकल्चर में ही है. अगर किसी भी साल, इफ़ एनी ईयर देर इज़ नॉट गुड मानसून बिकॉज ऑफ एनी एडवर्स कंडीशन, इफ़ द फार्मिंग हैज़ बीन अफेक्टेड, इट विल अफेक्ट द इंटायर नेशन, चाहे वो एक जॉब करने वाला इंसान ही क्यों ना हो या फिर फार्मर क्यों ना हो. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन वेरियस वेज वी आर इंटरडिपेंडेंट. तो आप देखो कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का जो इंटरडिपेंडेंस है वो कैसा है. देखो, अगर डिमांड मार्केट में इंक्रीज होगी, सपोज अगर मैगी हम खाते हैं, इसकी डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगी. फॉर दैट रॉ मटेरियल दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फार्म लैंड्स, तो इसका क्या होगा, इंडस्ट्री हेल्प्स इन रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने में इंडस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. सेकेंड जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडस्ट्री गेट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो व्हेन इंडस्ट्री गेट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, इट मीन्स दे आर डिपेंडेंट. एग्रीकल्चर गेट्स ट्रैक्टर फर्टिलाइजर्स फ्रॉम इंडस्ट्री. अगर हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इसके लिए हमें ट्रैक्टर्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, अच्छे सीड्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं इनका जो ये जो कहाँ बनते हैं, ये इंडस्ट्रीज बनते हैं. तो एक तरफ एग्रीकल्चर ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ ये एग्रीकल्चर भी अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने
कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज पे ही डिपेंडेंट है। एंड इंडस्ट्री मेक्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट। अगर हमारे पास इंडस्ट्री अच्छी काम कर रही है, वी हैव प्रॉपर टूल्स, ट्रैक्टर, सीड्स, देन जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, बहुत एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। यही रीज़न है कि जो यूएसए है वहाँ पे आप देखोगे इंडस्ट्रीज तो है ही, लेकिन एग्रीकल्चर भी उतना ही एफिशिएंटली काम करता है। तो जिन कंट्रीज़ में टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है, जिन कंट्रीज में इंडस्ट्री अच्छे से बैठी हुई हैं, इन दोज कंट्रीज एज दे आर इंटरडिपेंडेंट, तो दे हैव यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर, तभी वो इतने आगे हैं। इट मीन्स टुडे वी हैव डिस्कस दैट देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्री। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग टू द नेशनल इनकम और नेशनल इकोनॉमी। थैंक यू।